1540 ईस्वी का हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो कि ये जो महाराणा प्रताप का जन्म है, जन्म स्थल इनका कुंभलगढ़ था। महाराणा प्रताप का जन्म स्थल कौन सा है? कुंभलगढ़, ठीक है। अब देखो कि कुंभलगढ़ इनका जन्म स्थल है, तो पहला प्रश्न यही बन जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ? कुंभलगढ़, ठीक है। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को। लेकिन अब एक आपको बात इंपॉर्टेंट बता दूं, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जब हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा महाराणा प्रताप का जन्म 1549 में, ऐसा कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मिलता है। सिंपल प्रश्न आए 9 मई 1540, और अगर कर्नल टोड के अनुसार पूछा जाए तो 1549 ही रहेगी, ठीक है विद्यार्थी। तो यहां तक बात समझ में आई। अब देखो कि महाराणा प्रताप का शासन काल क्या था, ये तो इनके जन्म के बारे में। शासन काल 1572 से 1597 ईस्वी, ये इनका शासन काल है। इनका शासन काल याद रखना है सर, क्यों? तो देखो महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ और 1597 तक ये जीवित रहे, तो इस दोनों के बीच में अगर अपने टोटल करेंगे तो 97 में से 40 घटाओ कितना आया? 57 वर्ष। ये भी एक बार परीक्षा में पूछा गया कि 57 वर्ष इसका उत्तर है, ठीक है। तो 57 वर्ष इनका जीवन काल है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया भी अपन। अब देखो इसके बाद महाराणा प्रताप की उपाधियां क्या है, महाराणा प्रताप की उपाधियां। तो महाराणा प्रताप की उपाधियां नंबर एक है मेवाड़ केसरी, तो ये महाराणा प्रताप की उपाधि है, मेवाड़ के केसरी, ठीक है। हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर भी कहते हैं महाराणा प्रताप जी का नाम, हल्दी घाटी का शेर। फिर देखो इनका एक उपनाम है, बचपन का नाम भी कह देते हैं, उपनाम भी कह देते हैं, कई बार आता है ये प्रश्न, कीका कीकाओं में जाकर छिप जाता है, तो इनके बचपन का नाम है कीका, और कीका का अर्थ है अपने बोलते हैं छोटा पहाड़ी या छोटा बच्चा, तो कीका को छोटी पहाड़ी भी बोलते हैं, छोटा बच्चा भी कहते हैं कीका, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का छोटे होते का नाम क्या है, बचपन का नाम क्या है? कीका, ठीक है। अब देखो महाराणा प्रताप को साहित्यिक नाम पाथल के नाम से भी जाना जाता है, पीथल और पाथल, अगर पीथल नहीं होता तो पाथल भी नहीं होता, ठीक है, ओके। अभी पीथल और पाथल, तो पीथल किसको कहते हैं? अभी महाराणा प्रताप, पाथल कहते हैं महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ को, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। पाथल और पीथल, ओके विद्यार्थियों, पाथल और पीथल साहित्यिक नाम है पाथल। अब देखो कि इसके बाद एक रामदेव बाबा के लिए आता है ओ नीले घोड़े रोसवार, और एक आता है राजस्थान में महाराणा प्रताप के लिए ओ नीले घोड़े रोसवार। ओ नीले घोड़े को रोसवार कब कहा गया? जब हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाएगा, महाराणा प्रताप इस युद्ध से निकल जाएंगे, तब इनके बाद इनको नाम दिया गया था हल्दी घाटी। ओ हल्दी घाटी को शेर तो था ही, प्लस में क्या था? ओ नीले घोड़े रो अस्वार। ये नाम दो जनों के लिए आता है, पहले नंबर पर बाबा रामदेव के लिए आता है, ठीक है, ध्यान रखना, ओके भाई। तो ये कुछ एक इनके नाम की बातें थी, महाराणा प्रताप के जन्म की बात भी हो गई, अब इनका शासन काल भी देख लिया हमने। अब देखो इसके बाद और क्या प्रश्न बनता है, तो देखो यहां पर इनकी एक पत्नी थी, ये भी प्रश्न आता है कई बार, पत्नी, पत्नी का नाम क्या था? तो लिख लिया आप सभी, पत्नी का नाम था अजमादे पवार, ठीक है, ये पत्नी का नाम है। अब देखो इसके बाद और क्या कहानी है, महाराणा प्रताप के पिता का नाम तो सभी जानते हैं, कौन थे? उदय सिंह आए थे इनके पिता, महाराणा उदय सिंह, नाम सुना होगा आपने, वो भी आपको सबको पता है। अब देखो
कि और इनकी क्या प्रश्न बनता है। इनका एक प्रिय हाथी आता है जो पिछली बार रीट की परीक्षा में आया था, प्रिय हाथी पूछा गया था, तो याद रखना इनका प्रिय हाथी है राम प्रसाद। ये प्रश्न रीट की परीक्षा में पूछा गया था, राम प्रसाद, ठीक है। इनका एक प्रिय घोड़ा भी है जिसका नाम है, सभी जानते हैं, चेतन, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो कि और इनके क्या प्रश्न आते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में आप सबको पता होगा, अभी हल्दी घाटी का युद्ध करेंगे अपने, और इन चेतक और राम प्रसाद की बातें भी करेंगे, ठीक है। अब देखो कि राज्याभिषेक इनका दो बार हुआ था, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक दो बार हुआ। अब आप सबके प्रश्न में आएगा, सर राज्याभिषेक तो एक बार हुआ था और राज्य आरोहण हुआ था एक बार, तो वही उसी को बोल देते हैं राज्याभिषेक दो बार हुआ। एक इनका गोगुंदा में हुआ था प्रथम राज्याभिषेक, गोगुंदा में, ठीक है। दूसरा इनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। एक राज्याभिषेक गोगुंदा और दूसरा कुंभलगढ़ में हुआ। तो राज्याभिषेक कितनी बार हुआ? दो बार। जो कुंभलगढ़ में हुआ था ये विधिवत रूप से हुआ था, विधिवत मतलब सही तरीके से हुआ था कुंभलगढ़ में, ठीक है। तो याद रखना कितनी बार हुआ भी राज्याभिषेक? दो बार, ठीक है भाई। अब देखो और इनके क्या प्रश्न बनते हैं, तो देखो जब ये गद्दी पर बैठे विधिवत रूप से, तब इन्होंने बात कही थी, कथन कहा था कि जब तक चित्तौड़ को मुगलों से नहीं छीन लूंगा तब तक न थाली में भोजन करूंगा एवं न ही बिस्तर पर सोऊंगा। ये बात किसने कही थी? महाराणा प्रताप जी ने बात कही थी, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो कि अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि चार शिष्टमंडल भेजे थे। कितने शिष्टमंडल भेजे थे? चार शिष्टमंडल भेजे थे। कितने शिष्टमंडल भेजे थे? चार। और सबने ट्रिक रटी हुई है, जमा बट्टो, ये ट्रिक सबने रटी हुई है। पहले नंबर पर कौन आया, दूसरे नंबर पर कौन आया? अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था हाल ही में, जिसमें यह प्रश्न फिर एक बार आया था कि महाराणा प्रताप को अंतिम शिष्टमंडल में किसको भेजा गया? उत्तर था टोडरमल। यह प्रश्न पूछा गया था अभी फर्स्ट ग्रेड में। तो मैं आपको बता दूं जय का मतलब क्या है, जमा बट्टो में क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले जलाल खां, जैसे कौन है? जलाल खां, ठीक है। मां से आए थे कुंवर मान सिंह कछवाहा, जयपुर वाले आमेर वाले, और भय से आए थे भगवंत दास, जिन्हें कुछ लोग भगवान दास भी कहते हैं, भगवान दास या भगवान दास, ठीक है। और टो से है टोडरमल। ये चार अभियान भेजे गए थे। पहला अभियान जो आया था वो 72 में आया था, इतना याद रखना। बाकी जो तीन आए थे वो 73 में आए थे। 1572 में पहला आया और फिर तीन कितने आए? 1573 1573 1573, मतलब तीन 73 में और एक 72 में। तो पहला 72 में और फिर तीन 73 में, तीन 73 में और एक 72 में, क्लियर है भी। तो इस तरह से चार लोग आए थे, शिष्टमंडल भेजे गए थे, इसको शिष्टमंडल कहते हैं, महाराणा प्रताप को मनाने के लिए। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं महाराणा प्रताप से संबंधित जो घटित हुआ था। आप सबको पता है कि महाराणा प्रताप का एक पुत्र था अमर सिंह, और मान सिंह जब मनाने के लिए आया था, मिलने के लिए आया था महाराणा प्रताप जी से, तो मान सिंह जी ने कहा कि महाराणा प्रताप से भोजन पर मिलना था शाम को। तो हुआ क्या, झील पर आकर मिले ये, और वहां पर बैठ के जब बात हुई तो महाराणा प्रताप स्वयं नहीं आए बल्कि अपने पुत्र को भेज दिया। कुछ लोग कहते हैं, कई किताबों में लिखा है कि सिरदर्द का बहाना वगैरह बनाया गया, तो खुद नहीं आए थे, ये बात सही है। और इनका पुत्र आया, और जब बात हुई मान सिंह की, और बात बात में थोड़ी सी बात बिगड़ गई, तो बिगड़ी तो क्या हुआ आप सब जानते हैं कि अमर सिंह भी क्रोधित हो गए, छोटे थे लेकिन क्रोध आ गया, क्षत्रिय है तो क्रोध आना स्वाभाविक ही आ गया क्रोध। तो अमर सिंह ने मान सिंह को कुछ भला बुरा कहा, दोनों में बात बिगड़ी, तो बीच में महाराणा प्रताप ने आगे कहा कि छोटा बच्चा है आप क्यों इसके मुंह लगते हो, छोटा बच्चा। तो मान सिंह ने कहा कि आपका सिरदर्द ठीक हो गया क्या? तो
महाराणा प्रताप को भी क्रोध आया तो कुछ बात बिगड़ गई और इस तरह से यहां पर बेइज्जती हुई किसकी, मान सिंह की। और मान सिंह ने कहा कि मैं अपनी सेना लेकर आऊंगा और फिर अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ गई और आगे जाकर फिर आपने सब ने देखा कि हल्दी घाटी युद्ध हुआ इसी के उपलक्ष्य में। तो हल्दी घाटी युद्ध अपने अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए अपने यही पढ़ेंगे। धन्यवाद।